प्रोग्राम दुख और सुख के होस्ट तंजील चौधरी, प्रोग्राम दुख और सुख के चेयरमैन चौधरी शहजादा अब्बास के हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक एमपीए मुमताज़ अली खान चांग का इंटरव्यू कर रहे हैं, इस जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दुख और सुख के साथ मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त तंजील चौधरी, और मेरे साथ मौजूद हैं सीईओ प्रोग्राम दुख और सुख चौधरी शहजादा अब्बास साहब। हम इस टाइम मौजूद हैं सादिकाबाद प्रेस क्लब मुमताज़ चांग हॉल में। मुमताज़ चांग साहब की जो आमद हुई है प्रेस क्लब सादिकाबाद में, और आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मुमताज़ चांग हॉल का इफ्तिताह भी किया है और यहाँ पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की है। और सबसे पहले तो मुमताज़ साहब को मुबारक हो कि आप इस टाइम जो है प्रेस क्लब सादिकाबाद के आज़ादी मेम्बर भी बन चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपने एक बहुत खूबसूरत हाल प्रेस क्लब सादिकाबाद को तोहफे में दिया है, इसके अलावा क्या आगे का क्या विजन रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपकी दुख और सुख टीम का शुक्रगुजार हूं, और मैं इसी चैनल के थ्रू प्रेस क्लब के मेम्बरान को और सादिकाबाद के लोगों को मुबारक दूंगा, और उनको इसलिए कि उनको ये नसीब हो और उनके लिए ये हाल बना है। ये हाल सिर्फ इसलिए हमने बनाया है कि यहाँ आम बंदा भी आके प्रेस क्लब में वो अपने आप को एक ऐसी जगह महसूस करे कि वो एक किसी बड़े राइस नवाब का घर की तरह उसको हमने आसाइश दिए। तो दूसरी बात है, ये प्रेस क्लब हमें खिदमत हमारी आवाम की करता है, लोगों के मसाइल उजागर करता है, इस वजह से कोई एहसान नहीं है प्रेस क्लब के ऊपर। हम पे फ़र्ज़ है, हम जितने भी यहाँ कारोबारी हजरात हैं या ज़मींदार हजरात हैं या सियासतदान हैं, सब पे फ़र्ज़ है कि हम यहाँ इलाके के हर तरह की जगहों जहाँ पे निशानदेही हो उनमें हम बढ़ चढ़ के सब हिस्सा लें। ये शहर भी ये सूबा भी हम सब का है। अच्छा मुमताज़ साहब, अगर सियासी हवाले से बात की जाए, हल्का PP 266 में जो कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, आप उनके हवाले से अपने इलेक्शन की क्या पोजिशन देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं पंजाब में इलेक्शन जो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? देखें, इलेक्शन तो हमें मुश्किल लग रहा है, मगर मैंने अपनी जो है पार्टी की तरफ से जो टिकट दिया गया है, मैं उस पे अपनी मेहनत जारी रखी हुई है, और इंशाल्लाह कामयाबी भी यकीनी है। मुझसे ज़्यादा आप लोग बेहतर जानते हैं, यहाँ के लोग बेहतर जानते हैं कि मैंने खिदमत की है। बाकी जो लोग कैंडिडेट आए, आपको ये 10-15 दिनों में ये नज़र आए, इससे पहले आपको भी यकीन है, आप बता सकते हैं, पूरा आवाम सुन रही होगी कि ये कैंडिडेट ही नहीं थे, इन्होंने कोई खिदमत भी नहीं की, तो ये अचानक से कहाँ से छलांग लगा के आए, कैसे टिकट ले आए। मगर मैं यही कहता हूँ कि अगर ऐसे कैंडिडेट देने तो फिर उस पार्टी की भी कोई वैल्यू नहीं है, उस टिकट की भी कोई वैल्यू नहीं है, कि अगर आपने खिदमत वाले बंदे को नहीं दी जिसने 4 साल आवाम में नहीं था, तो आपने टिकट कैसे दी, ताकि फिर आपकी टिकट लेने वाला कोई नहीं था, या इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जाले से, वर्कर से, खिदमतगार से इतना खौफ था इधर के सियासतदानों को कि मुकाबला करने नहीं आ गए। हम सियासत के मैदान में लड़ना चाहते हैं, हमारी किसी से जाती दुश्मनी नहीं है, ये भाई है मेरे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं मेरे दोस्त हैं, मगर मैं इज्जत जाती तौर पे उनकी करता हूँ, मगर इंशाल्लाह इनकी जमानतें जब्त होंगी क्योंकि अवाम मेरे साथ है। ये आप आज मीडिया का रिकॉर्ड हिस्सा है, ना इनके साथ बड़े खानदान हैं, बड़ी बरादरियां हैं, ना आवाम है, क्योंकि दिन ब दिन मेरे साथ लोग शामिल हो रहे हैं, और उन्होंने सच्चाई भी देखी है, दोस्ती भी देखी है, वफा भी देखा है, और हक पे बात करते हुए भी देखा है। तो ये इंशाल्लाह दोनों पार्टियां आज लिख लें, ये दोनों पार्टियां 30% होंगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर 70% होगा, और 70% वाले को कोई नहीं हरा सकता। पिछली दफ़ा जब 2018 का इलेक्शन था, तो तमाम सोर्सेज, तमाम ताकतें PTI की तरफ थी, उसके बाद भी मैंने उसको 20,000 की शिकस्त दी थी, मगर वो इनसे बेहतर कैंडिडेट था जो अकमल विरेंद्र था। मगर ये हमारे भाई हैं, यूनियन काउंसिल लेवल के हैं, मगर यूनियन काउंसिल में भी इनकी अब कोई जान नहीं रही, तो मैं सियासी ज़ाहिर मैं उनके लिए कोई अच्छे अल्फाज उस तरह से नहीं बोलूँगा क्योंकि उन्होंने खिदमत नहीं की, मगर ये मैदान पड़ा है, मेहनत करें। अगर इलेक्शन हो गई तो ये 10,000 से भी ऊपर वोट नहीं लेंगे, अगर इलेक्शन नहीं हुई तो इंशाल्लाह ये फिर नज़र भी नहीं आएंगे। इन्होंने खिदमत नहीं करनी, ना खर्च करना है, ना लोगों के पास जाना है, तो ये खामखा का टाइम ज़ाया है।
अच्छा मुमताज़ साहब, ये जो आपके मुखालफ उम्मीदवार है पीटीआई का, ये तो पीपल्स पार्टी का हिस्सा था, क्या ऐसी वजह बनी मखदूम ग्रुप का हिस्सा था, क्यों अलहदगी की वजह आपके अब तक सामने आ चुकी है कि नहीं? देखें मैं बताऊं कि यहाँ पे सादकाबाद के अंदर पीपल्स पार्टी के अलावा किसी के पास कैंडिडेट नहीं है। जो नून से भी लड़ रहा है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिन्नत समाजत से 2018 में इलेक्शन में कामयाब हुआ था, मगर पीपल्स पार्टी और मखदूम साहब को नून लीग वाले ने धोखा देके वो अपना वोट जाके बेचा था। और जो दूसरा हमारा साथी है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में था। दूसरी पार्टियों के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, हमारे ही बंदे तोड़ तोड़ के टिकट दे रहे हैं। अगर इमरान खान के पास ऐसा बंदा नहीं है, मैंने तो कहा था कि आप जो यहाँ के ज़िलाई सदर हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो लड़ लेते। उसने मेरे खिलाफ फॉर्म भी भरवाए थे, अब भी मैं कहूँगा कि टिकट चेंज करके मेरे साथ मुकाबला करवाएं। और दूसरा जो था, मैंने इमरान खान साहब को कहा था कि आप लड़ें और आपको दिखाऊंगा कि ये मियाँ वाली है या ये जनूबी पंजाब का है, जहाँ पर आपने एक जो झूठे वादों के चीफ मिनिस्टर भी लगाए और यहाँ पे चीनी चोर भी लगाए और जिन्होंने करप्शन की और हमें यहाँ पे जुल्म और इंतहा करप्शन किया, मगर उन्होंने यहाँ जनूबी पंजाब में कोई खिदमत नहीं की। उनको लड़ा ले अगर जो वो मिनिस्टर थे या वो मेरे खिलाफ लड़ाते, ये बच्चे लड़ा रहे हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे पीपल्स पार्टी के साथी थे। अगर हम उनके खिलाफ कोई जाती हाथ पर बात नहीं करेंगे, वो हमारे भाई हैं, मगर उनके पास कैंडिडेट नहीं थे। ये खामखा की खाना पूरी है कि कोई जो है ना उम्मीदवार पीपल्स पार्टी का अनअपोज ना हो जाए, मगर इंशाल्लाह यहाँ इस हलके के अंदर मुझे अवाम पे अपने दोस्तों पे भरोसा है कि अनअपोज जैसी सूरत हाल है इस हलके की। और ये मैं आपको बताऊं कि सादकाबाद के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मेरी तरफ नज़रें घुमाई थी कि 266 लड़ेंगे, 266 उनको भी मैं कहता हूं जो पीटीआई से थे वो भी लड़ लें, अगर शौक वो भी पूरा कर लें। अगर वो नहीं लड़ रहे तो इंशाल्लाह ये वादा करता हूं कि अगली दफ़ा अगर 2028 में जब इलेक्शन हुआ तो फिर मुमताज़ चांग की खिदमत सादकाबाद शहर के अंदर भी होंगी और मैं इंशाल्लाह फिर इनका मुकाबला इधर करने आऊँगा। आप मुमताज़ चांग जो उम्मीदवार हैं हल्का PP266 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से, उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। उनका ये कहना था कि जो मेरे मुकाबले में दो मुखालफ उम्मीदवार आ रहे हैं वो हमारे ही ग्रुप से टूटे हुए हैं, उन अब मुखालफीन को कोई कैंडिडेट मुखालफ पार्टियों को नहीं मिला, वो हमारे ही बंदे तोड़ के जो मेरे खिलाफ जो है इलेक्शन लड़वाया जा रहा है। इसी के साथ मुझे मेरे साथी होस्ट अबू बकर अब्बास को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो।